नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन के। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। सांबा से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर आज पाकिस्तान की नापाक हरकत का पर्दाफाश हो गया है और सांबा सेक्टर में आई पर हथियार मिले हैं और ड्रोन से डंपिंग की आशंका यहां पर जताई जा रही है। और सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 पिस्टल, 5 मैगजीन, 122 राउंड और 1 साइलेंसर बरामद किया गया। पुलिस और सुरक्षा बलों ने बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन यहां पर शुरू कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश का पर्दाफाश किया गया है सांबा जिले के अंदर और सांबा सेक्टर में आईबी पर हथियार मिले हैं और ड्रोन से डंपिंग किए जाने की आशंका यहां पर जताई जा रही है, क्योंकि इससे पहले जटवाल इलाका, बारी भावना इलाका और साथ ही साथ सांबा के कई ऐसे इलाके जहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रखे गए थे, ड्रोन देखे जाने की घटनाएं सामने आई थी। लेकिन अब आप देखिए कि आईबी पर ही हथियार मिल गए हैं और ड्रोन से डंपिंग की आशंका यहां पर जताई जा रही है। सुरक्षा बलों की तैनाती वहां पर बढ़ा दी गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 पिस्टल, 5 मैगजीन, 122 राउंड और 1 साइलेंसर बरामद किया गया। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि आखिर राजेश वर्मा, जो कि एसएसपी सांबा है, वो क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए। अब ये आर्म्स एमुनिशन इस एरिया में कैसे आए? क्या ये ड्रोन ड्रॉपिंग है या कोई इसको उठा के कहीं और ले जा रहा था, कोई कुरियर था इसमें? ये सब विषय जो है वो इन्वेस्टिगेशन का है। जब तक वो क्लियर नहीं होता कुछ नहीं कहा जा सकता। थैंक यू। 2 ग्रेनेड हुए हैं इसमें, 5 मैगजीन्स हुई हैं और कुछ एमुनिशन हुआ है पिस्टल का ही। ड्रोन एक्टिविटीज के साथ हम इसको डायरेक्टली एसोसिएट नहीं कर सकते जब तक हमें एविडेंस वगैरह ना मिले, बट ये भी पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की जा सकती कि ड्रोन ड्रॉपिंग ही हो। बहुत सेंसिटिव इलाका है, जहां पे पहले भी इंसिडेंट्स हुए हैं, उन सबको मद्देनजर रखते हुए और इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन नजदीक आ रही है, इस हिसाब से भी पूरे एरिया को जो है वो हम सर्च में रखा हुआ है। तो फिलहाल आपने देखा कि एसएसपी का क्या कुछ कहना था, किस तरह से वो पूरी जानकारी यहां पर साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन साफ तस्वीरें आप देखिए, सर्च ऑपरेशन किस तरह से वहां पर चलाया गया है, आईबी पर हथियार बरामद हुए हैं और एक चिंता का विषय अब जरूर यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक एक करके पहले यहां ड्रोन देखे जाने की घटनाएं सामने आ रही थी, लेकिन अब हथियार भी बरामद किया गया है। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से पहले सिर्फ और सिर्फ ड्रोन की घटनाएं देखी जा रही थी, आशंका जताई जा रही थी कि रेकी हो रही है, लेकिन रेकी का बहुत बड़ा सबूत आईबी पर देखने को मिला, क्या जानकारी? जी बिल्कुल आशा, आपने सही कहा। लगातार हम पिछले कई दिनों से ये जो ड्रोन की संदिग्ध गतिविधियां देख रहे थे, उसको लेकर तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो अलग अलग इलाकों में सांबा जिला में सर्च ऑपरेशन लॉन्च करती हुई नजर आई। लगातार कंगालने का प्रयास किया गया हर एक एरिया को, जहां जहां पर भी ड्रोन की संदिग्ध गतिविधियां देखी जा रही थी और लगातार ये आशंका भी जताई जा रही थी कि ड्रोन ड्रॉपिंग हो सकती है। जिसको लेकर अगर बात करें तो दोबारा से जो सांबा जिला की राजपुरा तहसील है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, यहां से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिल्कुल पास है और इसी इलाका के बब्बर नाला इलाके में जो हथियारों की खेप बरामद हुई है, जिसमें 2 पिस्टल्स हैं, 5 मैगजीन्स हैं और लगभग 120 से 22 राउंड जो है वो लाइव बरामद किए गए हैं। तो ये जो पैकेट, अब जब हमने खुद मौके पर जाकर देखा तो साफ तौर पर नजर आ रहा था कि ये ड्रोन ड्रॉपिंग एक बार फिर से हुई है और इस इलाके में बताया जा रहा है कि ड्रोन ऑलरेडी मंडराते हुए नजर आ रहे थे एक दो दिन से और लगातार पाकिस्तान इसी फिराक में था कि किसी तरह से ड्रोन ड्रॉपिंग दोबारा से कराई जाए। तो इस इलाके से जो ड्रोन ड्रॉपिंग हुई है, जिसके चलते आज सुबह से ही तड़के सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाया गया, जिसमें आर्मी पुलिस भी शामिल थी, उसके बाद में बीएसएफ ने इस सर्च ऑपरेशन को ज्वाइन किया। लेकिन जब लगातार यहां पर पूरा इलाका खंगाला जा रहा था तो इसी इलाके में बब्बर नाले से जो रिकवरी खेप बरामद हुई है हथियारों की, उसके बाद सनसनी फैल गई कि ये जो आशंका जताई जा रही थी ये सारी की सारी हकीकत में बदल गई जब ये रिकवरी वहां से देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो भारत में पूरी तरह से खलल डालने का प्रयास कर रहा है और लगातार जो ड्रोन एक्टिविटीज हर एक इलाके में की जा रही है, तो साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की मंशा यही है, या तो इंफिल्ट्रेशन करवाई जाए या फिर हथियारों की खेप पहुंचाई जाए। अब तो किसी सबूत की भी जरूरत नहीं है, जिस तरह से यहां पर हथियार बरामद हुए हैं तो बहुत बड़ा सवाल ये निशान अब बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस को महज कुछ ही दिन बाकी है। बिल्कुल आशा, आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस को लगातार कुछ दिन बचे हुए हैं, लेकिन इसको लेकर हम तमाम जानकारी अब आपको लगातार देते रहे कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पाकिस्तान खलल डाल सकता है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि यहां से ये जो रिकवरी की गई है हथियारों की, ये एक पुराना इन्फिल्ट्रेशन रूट माना जाता है बब्बर नाला। शायद इतिहास में आप लगातार ये सुनते आते होंगे कि यहां से क्रॉसिंग हुई है, बब्बर नाला से क्रॉसिंग हुई है, तो ये पुराना इन्फिल्ट्रेशन रूट है, लगता है कि दोबारा से इसे एक्टिवेट किया जा रहा है। पाकिस्तान से पहले संदिग्ध भी देखे गए थे, उनका भी इसी रास्ते से जाना हुआ था।
बिल्कुल, ये बबन नाला आखिरी तक जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक ये नीचे तक जो वो जाता है, तो इसी इलाके से यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन ऑलरेडी होती है। एक हफ्ता पहले जब हमने आपको अपडेट किया था कि जतवाल इलाके से जो दो संदिग्ध देखे गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो संदिग्ध मूवमेंट देखी जा रही है, संदिग्ध हथियार जो एक्टिविटीज ड्रोन की देखी जा रही है, तो साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की जो मंशा है, पाकिस्तान किस मुद्दा को लेकर आगे बढ़ रहा है कि हथियारों की खेप पहुंचानी है। उनके गाइड या हैंडलर्स यहाँ पर आगे बैठे हुए जिनके तक ये खेप पहुंचाई जाती है, और यहां पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का जो प्रयास पाकिस्तान कर रहे हैं उसी की कड़ी आज देखने को मिली है कि अब तो ड्रोन ड्रॉपिंग भी लगातार देखने को मिली है। इससे पहले संदिग्ध गतिविधि हम कह रहे थे, लेकिन आज आशंकाएं पूरी तरह से सच में साबित हो चुकी हैं। लेकिन ऋषि, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसके द्वारा ये हथियार यहां पर रखे गए हो, क्योंकि संदिग्ध भी यहां पर देखे गए थे, और जाहिर तरीके से कैसे ये साबित हुआ है कि ड्रोन से ही ये सारी यहां पर हथियार जो है, खेप जो है, वो पहुंचाने की कोशिश हुई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के रखे जाने की भी हो? देखिए, इससे पहले जब आप किसी ड्रोन ड्रॉपिंग की चर्चा करते हैं या ड्रोन ड्रॉपिंग की कोई एक्टिविटी आप देखते हैं, तो उसमें साफ तौर पर नजर आता है कि उस पूरे मटेरियल को पैक किया होता है, और मटेरियल इस तरह से पैक किया होता है कि वो ड्रोन पर फिट हो जाए। इससे पहले जक इलाके में भी इसी तरह से ड्रोन मटेरियल आया था, धागा उसके ऊपर अटैच किया था, टेपिंग उसको पूरे मटेरियल को की हुई थी, और पूरा वो पैक किया हुआ था मटेरियल। तो ये जो पूरा का पूरा एक बैग जो वो पैक करके इसे फेंक दिया गया था, तो ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये जो ड्रोन ड्रॉपिंग हुई है ये किसी ने रखी नहीं है, लेकिन शायद जिनके तक ये खेप पहुंचनी थी वो शायद समय का हेर फेर हो चुका है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, इसलिए वो शायद गलत लोकेशन पर ड्रॉप हो चुकी है। तो इस तरह की जानकारी जो वो हो सकता है कि आने वाले रिसीवर्स का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। ऋषि, जिस इलाके में आज यहाँ पर ड्रोन ड्रॉपिंग हुई है, इस इलाके से रिहायशी इलाका कितने दूर है? देखिए, ये सारा का सारा रिहायशी इलाका है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, जो डिच होती है यहां से आप ये कह सकते हैं कि आगे रेड अलर्ट हो जाता है कि आप आगे थोड़ा सा सावधानी से चलिए। तो डिच के उस पार ये जो मटेरियल जो वो रिकवर किया गया है, यानी आप ये मान के चल सकते हैं कि लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का जो दायरा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का, ये उसी दायरे में ये खेप जो वो बरामद की गई है हथियारों की, और पूरा इलाका इस समय कॉर्डन कर दिया गया है। वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और खासतौर पर मैं बात करूंगा कि आर्मी को एक इनपुट था, इनपुट के आधार पर यह सर्च किया गया है, और आर्मी ने ही इस पूरी खेप को जो वो रिकवर किया, उसके बाद पुलिस की मदद इसी तरह से जब हेक्साकॉप्टर को मार गिराया गया था, उसमें भी 5 किलो आईडी बरामद हुई थी, लेकिन उसका भी रिसीवर समय पर नहीं पहुंच पाया था, जिसकी वजह से ये सारी जो खेप है वो बरामद कर ली गई थी। और उसी तरह का मामला आज जिला सांबा से भी देखने को मिला है, जो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से यहां पर रिसीवर जो है वो नहीं पहुंच पाया है, यानी समय का हेरफेर हो गया है, जिसकी वजह से यह पूरी खेप यहां सुरक्षा बलों के हाथ लग गई है, जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ लग गई है। लेकिन सवाल फिर भी यहां पर यह है कि किस तरह से ड्रोन ड्रॉपिंग लगातार जम्मू के अंदर चल रही है, इस पर गौर फरमाना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं, क्योंकि लगातार आप देखिए बड़ी खबरों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। सांबा में हथियार मिलने के बाद कठुआ में भी आईबी पर चौकसी को बढ़ा दिया गया है, और पुलिस, बीएसएफ और सेना यहां हरकत में आ गई है। आईबी पर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है, स्वतंत्रता दिवस से पहले ही हाईवे पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जम्मू पठानकोट हाईवे पर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, क्योंकि जिला सांबा के अंदर से खेप जो है वो बरामद हुई है, और उसके साथ ही साथ जिला कठुआ, जो बिल्कुल पूरी तरह से सांबा के साथ लगता है, बॉर्डर के साथ लगता है, और यहां पर भी अब चौकसी को बढ़ा दिया गया है। आईबी पर पूरी तरह से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। पुलिस, बीएसएफ और सेना पूरी तरह हरकत में देखी जा रही है, और आईबी पर सर्च ऑपरेशन पूरी तरह से यहां शुरू कर दिया गया है कि आखिर ये खेप किस तरह से पहुंच रही है और आईबी पर किस तरह से हालात हैं, उसका पूरा जायजा जो है वो हमारे सुरक्षा बल लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले ही आईबी पर यह हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। और साथ ही साथ ये भी आपको बताते चलें कि पाकिस्तान, जो कि अपनी हरकतों को अंजाम देने की हर वक्त यहां पर कोशिश में लगा रहता है, लेकिन नाकामयाब हो रहा है, उसके बावजूद भी आप देखिए किस तरह से हथियारों की खेप यहां पर पहुंचाई गई। लेकिन जब सांबा के अंदर खेप बरामद हुई है, तो कठुआ के अंदर भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए सरबजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरबजीत, जिस तरह से हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, इस वक्त क्या अपडेट है वहां पर? जी बिल्कुल, जिस तरह से सांबा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस तरह का एक जो खेप जो है बरामद की गई है, जिसके बाद कठुआ जिला के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए इलाके हैं वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जितने भी रास्ते जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नेशनल हाईवे से जोड़ते हैं वहां पर निगरानी जो है और ज्यादा बढ़ा दी गई है। पहले से ही जहां पर निगरानी जो है वो कड़ी कर दी गई थी, लेकिन अब
जिस तरह से यहाँ पर वेपन मिले हैं सांबा जिला में, तो उसके बाद कठुआ की अगर बात करें तो इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी काफी ज्यादा यहाँ पर निगरानी हो बढ़ा दी गई है, क्योंकि सीधा सीधा असर जब भी इंटरनेशनल बॉर्डर पर इस तरह की हरकत होती है, जब भी इंटरनेशनल बॉर्डर पर इस तरह की तस्करी की वारदात होती है, उसके बाद सीधा सीधा असर जो है अन्य सीमाओं को, जिस तरह से कठुआ जिला की जो हीरानगर सब डिविजन है, हीरानगर का एरिया है, वहां पर भी अब काफी ज्यादा निगरानी जो है बढ़ा दी गई है। नेशनल हाईवे की अगर बात करें तो वहां पर भी आने जाने वाले वाहन की यहां पर जांच की जा रही है, जिसके बाद इनको गंतव्य की ओर रवाना किया जा रहा है। कुल मिलाकर ये देखें कि जिस प्रकार से सांबा जिला में ये हथियारों की खेप वहां पर बरामद हुई है, हीरानगर सेक्टर की बात करें सरबजीत, तो काफी पहले यहां पर आतंकियों की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश भी की गई थी, जब सुरंग भी बरामद हुई थी और उसके साथ ही साथ पुलिस स्टेशन पर भी हमला करने की यहां पर जो फिराक थी वो आतंकियों की देखी गई थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं अलर्ट पर यहां सुरक्षा बल देखे गए। जम्मू पठानकोट जो हाईवे है उस पर किस तरह से चौकसी बढ़ा दी गई है और साथ ही प्रवेश द्वार जो लखनपुर है वहां पर किस तरह से सूरतेहाल? जी बिल्कुल, प्रवेश द्वार लखनपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर तो पहले से ही कोविड के चलते रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई हैं, यहाँ पर तो हर किसी को जांच के बाद ही जम्मू कश्मीर में एंट्री दी जाती है। वहीं अगर हीरानगर सब डिवीजन की अगर बात करें तो जितने भी रास्ते इंटरनेशनल बॉर्डर को नेशनल हाईवे से जोड़ते हैं वहां पर सख्ती बढ़ाई गई है, जिस प्रकार से आपने बात की इन्फिल्ट्रेशन, तो हीरानगर और सांबा जिले में यहाँ पर पहले भी इन्फिल्ट्रेशन के कई पुराने रूट यहाँ पर रहे हैं। इन्फिल्ट्रेशन चाहे तार बंदी को काट कर इन्फिल्ट्रेशन हो, चाहे सुरंग बनाकर यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो, लेकिन अब जो नया तरीका जो है ये पाकिस्तान में बैठे लश्कर और हिज के जो आका हैं उन्होंने नया तरीका नया किया है कि ड्रोन के जरिए यहाँ पर ड्रॉपिंग जो है वो की जा रही है। लगातार आपने पहले भी खबरों में देखा कि हीरानगर सब डिविजन के अंदर एक हेक्सोकॉप्टर को यहाँ पर मार गिराया था, जिससे काफी संख्या में यहाँ पर हथियार बरामद किए गए थे। जम्मू जिला की अगर बात करें तो कानाचा के इलाके में भी एक ड्रोन ड्रॉपिंग हुई थी, उसमें भी हथियारों की खेप जो है वो बरामद की गई थी। तो कुल मिलाकर ये देखें कि आतंकियों ने एक नया तरीका जो है वो अख्तियार किया है कि ड्रोन के जरिए यहाँ पर ड्रॉपिंग की जाती है, ड्रोन के जरिए यहाँ पर रैकी की जाती है, और अब कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को भी ये देखना होगा कि किससे किस तरह से पार पाया जा सकता है, क्योंकि आतंकी जो है अब ड्रोन का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा कर रहे हैं। चलिए सरबजीत, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सरबजीत हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि आईबी पर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है, लेकिन सवाल आप देखिए कि जिला सांबा के अंदर जो खेप यहां पर बरामद हुई है अब कहीं ना कहीं चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ जाएंगे, जिला राजौरी आपको लिए चलते हैं, क्योंकि जिला राजौरी से भी आज बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर पूरी तरह से राजौरी के थन्ना मंडी इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ जारी है, और मेंढर में एलओसी के नजदीक दो वायरलेस सेट और बैटरियां यहां पर और साथ ही साथ टॉर्च भी बरामद हुई है। स्वतंत्रता दिवस पर आतंक फैलाने की फिराक में है पाकिस्तान, और राजौरी और पुंछ में एलओसी पर पूरी तरह से चौकसी को बढ़ा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला राजौरी से देखने को मिल रही है, जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जारी हो गई है, और मेंढर की अगर बात करें तो एलओसी के नजदीक ही दो वायरलेस सेट और बैटरी और टॉर्च यहां पर बरामद हुआ है, यानी दो वायरलेस के सेट्स भी यहां पर बरामद हुए हैं, जो एक चिंता का विषय है कि आखिर ये वायरलेस सेट जो है वो कहां पर इस्तेमाल किए जा रहे थे, क्यों इस्तेमाल में लाए जा रहे थे, ये तो सब जानते हैं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर आतंक फैलाने की फिराक में है पाकिस्तान, और पूरी तरह से नापाक इनके हरकतों को करने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है। राजौरी और पुंछ में एलओसी पर बढ़ा दी गई है चौकसी, और साफ तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं जो जो सामान यहां पर बरामद हुआ है, जिसमें दो वायरलेस सेट हैं, बैटरियां हैं और टॉर्च हैं जो यहां पर बरामद हुए हैं। और थन्ना मंडी इलाके की अगर बात करें तो सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच यहां पर लगातार मुठभेड़ जारी है, दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पूरे सूरत हाल जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको फाइल दिखाई जा रही है, लेकिन आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह बरामद जो है वो सामान किया गया है, जिसमें वायरलेस सेट है, टॉर्च है और साथ ही साथ यहां बैटरियां भी हैं। और इस वक्त बड़ी अपडेट जिला राजौरी से थन्ना मंडी इलाके से देखने को मिल रही है, जहां पर पूरी तरह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ जारी है, और अब देखना यह होगा कि आखिर कौन सी तंजीम से ये आतंकवादी यहां पर ताल्लुक रखते हैं। और उससे भी बड़ी बात यहां पर यह है कि आप देखिए कि किस तरह से जिला सांबा, कठुआ, उसके साथ राजौरी, पुंछ यानी सीमावर्ती इलाकों की बात करें, परगवाल सेक्टर जो कि छम जोड़िया का सेक्टर भी है, तो वहां पर भी पूरी तरह से पाकिस्तान जो है वो निगरानी रखे हुए था, ड्रोन से एक्टिविटीज करने की कोशिश की जा रही थी, हर वक्त ड्रोन की घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही थी जम्मू संभाग के अंदर, लेकिन इस वक्त बड़ी अपडेट जो है वो राजौरी
कमजोरी से देखने को मिल रही है। उसके साथ ही आपको यह भी बताना बहुत जरूरी है कि थानामंडी इलाके के अंदर इस वक्त सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ पूरी तरह से जारी है और काफी मात्रा में सामान भी बरामद कर लिया गया है। आगे बढ़ जाएंगे और जिला पुंछ के सुरनकोट इलाके के सांगला, फाजलाबाद, मोहराबाची और बफलियात सहित कई अन्य इलाकों में बीती रात आई हुई भारी बारिश और तूफान से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा और पीड़ित किसानों ने स्थानीय प्रशासन से बारिश और तूफान से हुए नुकसान का जल्द जायजा लेने और नुकसान की भरपाई करने की मांग की। कि आज रात को जो तूफानी बारिश और आंधी हुई है जिससे काफ़ी नुकसान जो है लोगों को हुआ है। बिलखसूस मैं ये कहूँगा कि तहसील सुरनकोट के अंदर बफलियात से लेकर फजलाबाद, मोड़ा पुछाई, सांगला, पमरोट, मोड़ा पुछाई, लसाना, समोट, सुरनकोट जितने भी हमारे 13 गांव हैं, 3 गांव जो हमारे रजिस्टर्ड हैं और 75 जो हमारी पंचायत से, इसके अंदर तूफानी नुकसान जो है वो लोगों का जमीनी नुकसान हुआ है। इसके लिए मैं जनाब गवर्नर साहब से ये अपील करता हूँ कि जितने भी हमारे जिम्मेदार लोग थे, इन्होंने जो लोन लेके अपनी फसल को खड़ा करने की कोशिश की थी और ये चाहते थे कि हम लोन लेके अपनी फसल उगा के जब फसल हो जाएगी तो हम जो है वो अपना लोन जो है वो अदा करेंगे, लेकिन ऐसा शायद अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर नहीं था। आज की डेट में जितना नुकसान था, मैं तो ये कहूँगा कि 100% मक्की जो है वो खत्म हो चुकी है। मैं जिला इंतजामिया से ये गुजारिश करता हूँ, बिलखसूस डिप्टी कमिश्नर पुंछ से, कि सुरनकोट के अंदर एक टीम मुकर्रर की जाए, तमाम इलाका जात के दौरा किया जाए और जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उस नुकसान को दर्ज किया जाए और एक जो है रिटर्न जो है वो गवर्नर साहब को भेजा जाए ताकि लोगों को जो है उसकी नुकसान की जो है वो भरपाई हो सके। ये दो दिन पहले भी जो बारिश थी काफी उसका नुकसान किया था हमारे फजलाबाद में, उसमें धनजरा में, बोथल और एडजाइनिंग एरियाज में क्रॉप्स का काफी डैमेज हुआ था। सिमिलरली आज रात की जो रिपोर्ट्स आई है हमारे हाड़ी, मरोट और बफलियाज एरिया में काफी जो क्रॉप्स का नुकसान हुआ है। तो अभी डी साहब की भी जस्ट इंस्ट्रक्शन हमें आई है कि इसके लिए आप जॉइंट टीम की तशकील लें, तो मैं अभी ऑर्डर करने वाला हूँ विद इन आवर, एक घंटे तक करने वाला हूँ कि हम जो PWD के डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर और मेरे जो फील्ड स्टाफ है पटवारी से हैं ये मौका मुलाजा करेंगे और जो जिस कदर भी क्राफ्ट को डैमेज हुआ है वो असर्टन करेंगे और उसकी रिपोर्ट जो डी साहब को भी सबमिट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को सबमिट करेंगे। और देखिए हमारा जो काम है वो ये है कि फील्ड विजिट करके हम असर्टन करें कितना लॉस हुआ है, अब उसके लिए गवर्नमेंट के रूल से नॉर्म से उसमें अगर वो कवर करेंगे तो रिलीफ मिलेगी, उसके लिए डॉक्यूमेंट। तो जम्मू के नरवाल में आईटी, जो कि आईटी नहीं है ये ISBT है, और इसके बनने के बाद जम्मू के पुराने बस स्टैंड के दुकानदार बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और इन दुकानदारों के मुताबिक बस स्टैंड के शिफ्ट होने से उनकी दुकानदारी बंद होने की कगार पर है, लेकिन बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी उनकी कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही है और मंदी से जूझ रहे इन दुकानदारों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर से सरकार से पुराने बस स्टैंड से कुछ रूट की गाड़ियां चलाने की गुहार लगाई और इन दुकानदारों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द इनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वो सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे परिवार बहुत हमसे परेशान हो गए हैं, क्योंकि घर वाले जब शाम को हम जाते हैं तो वो पूछते हैं पैसे कहाँ हैं, पैसे लाए हैं, क्योंकि बिना पैसे से घर बार नहीं चलता है। हम चेतावनी देना चाहते हैं 15 अगस्त तक हम के बाद, 15 अगस्त तक हम देखेंगे, 15 अगस्त के बाद हम अपना ये अपने जो जद्दोजहद है, जो स्ट्राइक है, हम सड़कों पे ले जाएंगे। इनके हमें धरना देना पड़ेगा, धरना भी देंगे, इनके से हमें और कुछ कड़ी से कड़ा कदम उठाना पड़ेगा वो भी हम करेंगे। इसलिए सरकार से हम पहले गुजारिश करते हैं कि कम से कम पहले हमारे और तरफ ध्यान दिया, 200 दुकानदार और कितने उनके 3-3 मुलायम अभी बहुत प्रभावित हुए हैं, तो आप 53 दुकानदारों के लिए आपने 200 दुकानदारों की बलि देना चाहते हो क्या? हैं, जब कोई जहर खा लेगा, कोई सुसाइड कर लेगा, उसके बाद आप सुनवाई करोगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार से गुजारिश है जल्दी से जल्दी कोई ऐसा एक्शन लीजिए जिससे जहाँ पे बस स्टैंड प्ले में, पुराने बस स्टैंड और बस स्टैंड में कोई ना कोई स्टैंड आया जाए। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जम्मू शहर के सौंदर्यकरण का काम तेजी से चल रहा है और फ्लाईओवर के नीचे वर्टिकल गार्डन के साथ साथ अब जम्मू नगर निगम तवी नदी पर बने हुए चारों पुलों के सौंदर्यकरण के काम में जुट गई हुई है। जम्मू में मेयर चंद्रमोहन गुप्ता के मुताबिक चारों पुलों के सौंदर्यकरण का काम जारी है और इन चारों पुलों पर फूल पौधों के गमले लगाने के साथ साथ लाइट्स भी लगाई जा रही है और इसके साथ ही मुबारक मंडी और बाहू फोर्ट जैसी ऐतिहासिक इमारतों को लाइट्स के माध्यम से सजाने का काम भी जोरों पर चल रहा है।
गमले में मिट्टी डल रही है, आने वाले समय में दो चार दिन में बरसात का इंतजार कर रहे थे ताकि जम्मू का क्लाइमेट ऐसा है तो दो चार दस दिन में गमले गुमले लाके उसका मुहूर्त हो जाएगा। एक ऐसा तवी का ब्रिज हमने बनाया है वो भक्ति नगर को, जो भी आएगा उसको देखने आएगा। अगर मैं बात करूंगा लंबी बात हो जाएगी, स्मार्ट सिटी में चारों पुल तवी जो है हमारे चार पुल चारों को इल्यूमिनेशन हो रहे हैं, नीचे से भी लाइटें आएंगी ऊपर से भी लाइटें, ऐसे पुल बावे वाला जो हमारा बहू फाट है बावे वाली माता है उस किले को हम लोग सजा रहे हैं, उसका टेंडर हो गया है और मुबारक मंडी को हम लोग सजा रहे हैं, वहाँ भी वो भी रात को आप लाइटों में नहाती हुई नजर आएंगे। बहुत से स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट हैं। हिंदुस्तान शिवसेना ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है और जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हिंदुस्तान शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत कपूर ने कहा कि जब 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया था तो जम्मू के लोगों ने इसका स्वागत करते हुए जश्न मनाया था, लेकिन दुख की बात यह है कि 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी केंद्र सरकार ने जम्मू वासियों के किए हुए वादों को पूरा नहीं किया। हमने इस चीज की जो है बहुत खुशियां मनाई थी, जम्मू वालों ने बहुत खुशियां मनाई थी जब ये 5 अगस्त को जो है 2019 को जो है हटाया गया है और ढोल और नगारों से हमने इसका स्वागत किया था, लेकिन बड़ा दुख से ये कहना पड़ता है कि हमने जो है जम्मू वालों ने इस चीज का वेलकम किया था, लेकिन आज हमें बड़ा दुख से ये कहना पड़ता है कि हम जो है इस चीज में जो है बिल्कुल ही टोटल हमें ये लग रहा है हमने जो जो इन्होंने वादे किए थे और वो वादे बिल्कुल कहीं पूरे नहीं होते नजर आ रहे हैं। तो किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए सरकार के आदेश पर बागवानी विभाग की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। आरसपुरा के मरालिया में स्थित बागवानी नर्सरी का डायरेक्टर यहां पर हॉर्टिकल्चर जो कि राम सेवक और डेवलपमेंट ऑफिसर परविंदर सिंह ने दौरा किया है और इस मौके पर बागवानी अधिकारी ने कहा कि यहां पर विभिन्न फलों के पौधे तैयार करके किसानों को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं और साथ ही वहां पर मौजूद किसानों ने बागवानी अधिकारियों के सहयोग करने पर उनकी तारीफ भी की। उसी के साथ बागवानी निदेशक राम सेवक ने जानकारी देते हुए कहा कि उपराज्यपाल के आदेश पर जम्मू सूबे में बड़े पैमाने पर प्लांटेशन की जा रही है। उन्होंने और क्या कुछ कहा चलिए देखिए। हमारे यहाँ पर हॉर्टिकल्चर की नर्सरी है जो सिंहपुरा मुरली में पड़ती है और इस नर्सरी से यहाँ पर स्थापना और नर्सरी के बनने से कल लोगों को खासकर किसानों को इसका काफी फायदा मिलता है। इस नर्सरी में अंगूर के पौधे हैं, लीची है, आम के पौधे हैं और यहाँ का जो स्टाफ है अच्छी तरह से काम करता है और लोगों को जो बाहर से 250-300 का पेड़ लेना पड़ता है इस नर्सरी में 40 या 50 रुपए का वो मिलता है और कुछ तो गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडी पर लोगों को और भी सस्ते पौधे मिलते हैं। इसके साथ यहाँ का जो बहुत सी काफ़ी बाहर से जो नर्सरी में पेड़ पौधे भी काफ़ी बाहर से आते हैं। हम खासकर HOD डिपार्टमेंट का यहाँ का ये हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट है इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि एक तो यहाँ पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे आते हैं उसके साथ यहाँ का रख रखाव भी बहुत अच्छा लोगों को मिलता है। गवर्नमेंट फ्रूट प्लांट नर्सरी मरालिया ये आरसपुरा जोन में स्थापित है जहाँ पर आज हम खड़े हैं और इस नर्सरी में डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की ये कोशिश है कि इस नर्सरी में हम 3 किस्म के जो फलदार पौधे हैं जिसमें एक आम है, एक लीची है, एक कीनो है, ये 3 किस्म के हम जो फ्रूट प्लांट्स हैं इनको हम फर्दर जो है किसान भाइयों के लिए तैयार करते हैं और हमारी यहाँ ये कोशिश होती है कि जो क्वालिटी प्लांट्स हैं जैसे यहाँ जैसे हम देख रहे हैं लीची के प्लांट्स हैं हमारे पास, देहरादून वैरायटी है तो हम ये वैरायटी जो है इसको तैयार करके किसान भाइयों को गवर्नमेंट रेट्स पे ये जो पौधे हैं उनको देते हैं और यही पौधा अगर हम बाज़ार से ख़रीदें तो उसकी कीमत कम से कम 250-300 रुपया जो है वो किसान लेते हैं और वही पौधा यहाँ पे किसानों को 50 रुपये के हिसाब से जो है उपलब्ध किया जाता है। नमस्कार, मैं राम सेवक डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस बार जम्मू डिवीज़न में मैसियो हाई डेनेस्टी प्लांटेशन का जो कार्यक्रम चल रहा है जिसको हमारे माननीय LG साहब, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन चौधरी जी, हमारे ऑनरेबल एडवाइज़र फारूक खान साहब, इन सभी की तरफ से जो एक मिशन तौर पे हम जम्मू डिवीज़न में जो प्लांटेशन करने जा रहे हैं
हाई डेनेस्टी की प्लांटेशन पहली बार हो रही है, जिसमें मैंगो भी, लीची भी और गावा जैसे जो सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं उन पे भी जो हाई डेनेस्टी प्लांटेशन जो है होगी। और फ्रूट प्लांट्स जो हैं इसमें बढ़िया क्वालिटी के अभी हमने शुरुआत की, जैसे ऑनरेबल एलजी साहब ने अभी 14 तारीख को इसका वो इनॉग्रेशन भी किया था। तो केसर का पौधा यानी कि केसर आम का पौधा और एल्फेंसो आम का पौधा जो एक हेक्टर में 1000 पौधा लग रहा है, वो पहली बार हमने जम्मू में जो इसको शुरू किया है। इसी तरह से अब हाई डेनेस्टी हमारा मलिका पे और जो बाकी सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं, मतलब आम के अलावा जैसे गावा है, किन्नू है, मौसमी है, इन सभी पे जो तो जम्मू के सबसे पुराने बाजारों में से एक जैन बाजार के दुकानदारों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगा दिया है। इन लोगों के मुताबिक बाजार की सड़क में जगह जगह पर गड्ढे पड़े हुए हैं और बाजार में आने वाले लोगों को परेशानी का सबब से गुजरना पड़ रहा है। इन लोगों का आरोप है कि सड़क की खराब हालत को लेकर वो कई बार जम्मू नगर निगम के साथ साथ उपराज्यपाल से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन किसी ने भी सड़क की मरम्मत को लेकर कोई कदम नहीं उठाया। ये पहले बाजार बड़ा सही होता था, अब ये कुछ देर से कुछ 4-6 साल से इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। सड़कें टूटी हुई हैं, कभी कोई गिर रहा है, कभी पानी इकट्ठा हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। बहुत बार कंप्लेंट कराई, डीसी साहब को भी बोला, एलजी साहब की तरफ भी हमने लेटर भेजी थी किसी के हाथ, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी बने और हमारे कारोबार की तरफ भी थोड़ा सा लोग गाड़ियाँ लेके जहाँ आए तो कारोबार हमारा भी थोड़ा आगे चले। सर इस टाइम तो बाज़ार की हालत तो देखो बिल्कुल ही ख़राब है, आप देख सकते हो जैसे जगह जगह पे खड्डे वगैरह हैं, हर जगह पे रोड्स वगैरह टूटी हुई हैं। इसके लिए हमने अपना डिप्टी मेयर मैडम से भी बात की थी और डिप्टी मेयर से भी बात की थी और MLA साहब अपना जो तो भी है नहीं है और जो हमारे कारपेंटर वगैरह हैं सबसे हमने बात की थी कि ये जो रोड्स वगैरह के काम बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे आगे त्यौहार वगैरह सब आ रहे हैं बाज़ार के, जैसे राखी वगैरह सारा आगे त्यौहार वगैरह आने वाले हैं, पर रोड्स की तरफ अभी कोई नहीं ध्यान दे रहा कि जो काम वगैरह हो। सबसे पुराना बाज़ार है, हेरिटेज में आ रहा है, पर इसकी तरफ कोई भी अभी ध्यान नहीं दे पा रहा, ना तो कोई काम की तरफ ध्यान। जैसे रोड्स के सारे खड्डे नालीज वगैरह सारा ओवर, जैसे बारिशें अभी लगी हुई हैं, सावन का महीना है, बहुत बुरा हाल है आगे। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।